हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भाई और सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं जा रही हूँ वापस आ रही हूँ और देखो क्या देखिए कितना अंधेरा हो रखा है रोड पर। और क्या ना, सुबह सुबह मतलब ज़्यादातर लोग चलते हैं, लेकिन अभी क्या ठंड का समय आ गया है तो कम ही चलते हैं, थोड़ा सा लेट भी निकलते हैं। तो मैं घर से 5 बजे निकली थी और 6 बजे वापस आ गई थी घर पर। और यहाँ देखिए पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। और जय क्या बोलते हैं, सुबह ना ज़्यादातर रोड खाली रहता है और वैसे भी ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी है तो इसलिए लोग नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ कर रही थी वॉक, चलो कर लेते हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर और मैं वापस आ चुकी हूँ, चलते हैं। कैसे देख सकते हो उजाला निकलने लगा है। और सब अच्छे करीब हो गया है। और देखिए उजाला अभी हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। और बस चलते हैं घर पर। और देखिए रोड भी चलने लगा है। देखिए मैं वहाँ से आई थी वॉक करने के बाद, तो मैंने बनाई थी अपनी नटमेग की, जो कि मैंने आकर के तुरंत ही बनाने रख ली थी। मैं बैठी नहीं थी बिल्कुल भी आकर के। और देखो नटमेग मिट्टी भर के रेडी हो गई मेरी। अब मैं इसको जा रही हूँ पीने के लिए और मैं यहाँ छान लेती हूँ इसको। और साथ में मैंने ना सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी है जो कि बनाने के लिए। तो देखिए मैं अपनी जो है जायफल टी अपनी छान लेती हूँ इसको। और देखिए मैंने अपनी टी छान ली है क्योंकि सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक से आती हूँ तो कोई ना कोई टी ज़रूर पीती हूँ बना करके। तो देखिए मैंने बना के अब मैं पीने जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। ये आलू रखे हुए हैं और मैंने रात ही गोभी को काट के रख दिया था क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। और ये क्या, मैंने अपने लिए थोड़े चने भिगोए थे तो ये चने भिगोए रखे हैं मेरे। और ये गोभी कटी हुई रखी है और ये ड्राई फ्रूट भी हुए थे मैंने। इसमें है छुआरे और बादाम, अंजीर और किशमिश। तो अभी क्या ना, इनमें प्रोटीन अच्छी होती है और जब मैं वज़न कम कर रही हूँ तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी में जाने के लिए। तो मैं साथ में फिर इनको भी ले लेती हूँ। अभी मैं तो पी रही हूँ पानी और पी लेती हूँ पानी वगैरह मैं पी पा के अपने। और सब कुछ ड्राई फ्रूट खाने के बाद देखना फिर मैं बना रही थी बाबू का टिफ़िन, जो कि बना रही हूँ यहाँ पे काठी रोल। तो अभी क्या ना, मैंने लहसुन को भून लिया है और इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है। और ये डालने के बाद जो मैंने वो काट के रखी हुई है, ये है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च और थोड़ी सी पनीर। रोल कोई भी बना लीजिए आप, बस पनीर और ये वेजिटेबल से होती है, कुछ नहीं है अलग से, ऐसा कुछ हुआ में नई रेसिपी नहीं है ये। तो सबसे पहले हम प्याज को हल्का सॉटेज कर लेंगे। तो देखिए मैंने प्याज को हल्का सा ही भूना है, क्रंची क्रंची अच्छा लगता है, कोई नहीं। और ये भी सॉफ्ट होती है शिमला मिर्च टमाटर, तो ये हाल ही तुरंत ही गल जाते हैं तो इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट कर लेना है। और अब डाल देना इसमें टमाटर, तो मैं टमाटर को भी भून लेती हूँ। इससे क्या ना होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं और पेट भर के खा भी लेते हैं कुछ नया नया टिफ़िन में दो बच्चों के लिए। तो और रोज़ाना सब्जी रोटी उससे बच्चे परेशान भी हो जाते हैं और खाते भी नहीं कई बार। तो ऐसे अचानक से उसका मूड बनेगा, कहने लगा मम्मा मुझे आज रोल बना के दे दो। और मुझे रोल मैं ज़्यादा कभी कभार दे देती हूँ उसको टिफ़िन में। तो मैं यहाँ पर तो अचानक से बोला था उसने, मैं तो कुछ और ही डाल रही थी टिफ़िन में उसके में, तो पनीर भी घर पर पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चल दे देते हैं कोई नहीं। तो यहाँ मैंने इसको परांठे को सेक लिया है घी लगा करके। और देखो मैं परांठे सेक करके और जल्दी जल्दी टिफ़िन में पैक कर देती हूँ।
क्योंकि उसने अचानक से बोला था, पहले नहीं बोला था, मैं पहले से तैयारी कर ली थी सारे को। उसने जैसे ही बोला मेरे को अगर नहीं देती तो फिर थोड़ा टाइम भी था मेरे पास, तो मैं अकेला बना ही देती हूँ, कोई नहीं। तो अचानक से बोला कि मम्मा मुझे ना आज रोल बना के लेके रोल रोल ले जाना है, उसमें टिफ़िन में आप मुझे दे दो प्लीज़। तो मैं यहाँ पे मैंने परांठा ले लिया है ये, और इस पर लगाएंगे हम ग्रीन चिल्ली सॉस यानी हरी चटनी। देखिए मेरे पास ये 2 दिन पहले बनाई थी मैंने चटनी, फ्रिज में रख रखी थी इसलिए कलर ऐसा हो गया इसका। तो हमने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली सॉस लगा दिया। अब हम लगाएंगे इस पर टमाटो सॉस। तो टमाटो सॉस मेरी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत पड़ी है मेरे पास, मैं उसको ही अभी उसका काम चल जाएगा। और देखिए मैंने टमाटो केचप भी डाल दिया है टमाटो सॉस, और हमें इसको अच्छे से जल्दी से चम्मच से कर देते हैं फटाफट से। अब हम जो हमने अपनी जो बना के रखी है ये शिमला मिर्च पनीर, अब हम इसमें अंदर डाल देंगे। सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है, जब बच्चे खास करके बहुत खुश होते हैं, और जो लोग सुबह नाश्ता करके जाते नहीं हैं उनके लिए आप बना के दे दो, चार चार रोल खा के जाएंगे एक की जगह वो। और मैं अपने बेटे को टिफ़िन में चेंज कर करके देती रहती हूँ, और कभी परांठे कभी कुछ ऐसे करके, तो इससे वो खा भी लेता और दिल खुश भी रहता है उसका। तो ये क्या ना बच्चों क्या होता ही है कि बच्चे एक दूसरे को शेयर करते हैं स्कूल में जाकर के आज क्या लेके आए गए लेके, तो बच्चे खुश होते हैं, और बच्चे खुश होते हैं तो खुद भी खुश हो जाते हैं। इससे बच्चों का बस ये होता है कि कुछ नया नया देख कर के एक दूसरे शेयर करते हैं, तू क्या लेके आई टिफिन में क्या लेके, ऐसे कर करते हैं तो अच्छा लगता है बच्चों को भी, और दूसरा खा भी लेते हैं। तो मैं उसको हल्का सा ऊपर से फ्राई करूँगी अभी, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ फ्राई रोल को। और मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है इसको, देख सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों को हम नया नया टिफ़िन में देते हैं खाने के लिए, तो बच्चे बड़ी खुशी से खा के आते हैं और बड़े खुश रहते हैं। और सारे दिन अगर बच्चे का सुबह का जो टाइम होता है खुशी से निकल जाए, तो सारे दिन बच्चे हैप्पी हैप्पी रहते हैं स्कूल में भी। तो क्या ना बच्चों को देना चाहिए अलग अलग नया नया बना करके, इससे बच्चे खाते खा हेल्दी का हेल्दी, और उनका फरमाइश भी पूरी हो जाती है कि हमने आज क्या खा अलग से कुछ खाया है। और देखिए कुछ नहीं है परांठे के अंदर, बस सब्जी को भर दिया और कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए तो बहुत कुछ है ये खाने के लिए। तो चलो खिला देते हैं उनको। और यहाँ मैं कर देती हूँ टिफ़िन पैक, और देखा मेरा छोटा छोटंकू मेरे साथ खड़ा हुआ है। वो क्या ना जब भी सुबह मैं काम करती तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, क्या करे बेचारा, देखो ढूंढता रहता है मुझे कुछ खिलाओ, मम्मा मुझे कब खिलाएगी कैसे करेगी। और सच में इसके लिए तो सुबह टाइम ही नहीं होता, इधर से उधर इधर से उधर घूमता रहता है बेचारा मेरा बच्चा, ऐसे क्या करें कभी ये सामान उठाएगा कभी वो सामान उठाएगा। और मैं इस टिफ़िन में डाल देती हूँ, मैंने 2 बनाए थे, एक उसने खाया था, एक बोला मम्मा एक ही लेके जाऊंगा मैं टिफ़िन में, एक मैं खा लेता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ उसने एक ही लेके गया है, बाकी एक उसने घर पे खा लिया था। होता है बच्चों के मूड के ऊपर है, कभी एक खा लें कभी 2 खा लें, क्या कह सकते हैं, बच्चों को जितना है उतना ही करेंगे ना। तो मैं यहाँ टिफ़िन लगा के जल्दी से कर देती हूँ रेडी, फिर मैं देखती हूँ अपने छोटे वाले बेबी को, क्योंकि बहुत देर से बेचारे को 1.5 घंटे से घूम रहा है वो ऐसे। और ये पड़े हमारे पेंगुइन जो कि ठंड में ठिठुर चुके हैं, और देखिए कैसे लेटे हुए हैं, और पता नहीं इनको ठंड लग गई है क्या हो गया है। करो गुस्सा हो गए, ये गुस्सा हो जाते इतनी जल्दी गुस्सा हो गए। आज की ब्लॉग को यहीं ऐड करूंगी, अगर मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ न्यू सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।